हेलो एवरीवन, गुड न्यूज़ फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स। यूपीएससी ईपीएफओ का जो ईओ एओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 जुलाई को, और एपीएफसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट यूपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था उसका, और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट जो भी बच्चे हैं उनका जो लिस्ट है उन्होंने निकाल दिया है। तो आप अपना रिजल्ट चेक कीजिए। और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन बच्चों को जिनका रिजल्ट आया है। तो जल्दी से, सबसे पहले तो आपको अभी जो रिजल्ट है वो रिक्रूटमेंट टेस्ट का आया है। अभी एक स्टेप और बाकी है, तो उसको हमें छोड़ना नहीं है। अभी पीडिया के साथ जुड़े रहिए। अभी पीडिया आप लोगों के लिए फ्री में इंटरव्यू प्रिपरेशन पिछले साल भी करवाई थी, कंडक्ट करवाई थी, और इस साल भी यूपीएससी ईपीएफओ का जो ईओ एओ और एपीएफसी दोनों का जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो भी अभी पीडिया आपको फ्री में करवाएगी। एंड जिनका नहीं हुआ है उनको होप नहीं छोड़ना है। अभी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो वो भी आप प्रिपरेशन करते रहिए और अभी पीडिया के साथ बने रहिए। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ईओ एओ के लिए जो कैंडिडेट को, जितने कैंडिडेट को बुलाया गया है वो है 1321 कैंडिडेट को बुलाया गया है ईओ एओ के लिए इंटरव्यू के लिए, और एपीएफसी के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया है 761। तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन्स दो स्टूडेंट्स जो सेलेक्टेड हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैसेज भी आ रहा है बार बार मुझे कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आप लोग भी मैसेज करिए और कमेंट में कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि, और सबसे पहले तो अपना रिजल्ट जाके यूपीएससी साइट में चेक कीजिए। ये यहाँ पे दिया गया है रिजल्ट सारे बच्चों का। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू।